हेलो गाइस, माय नेम इज कनिष्क वैद्या एंड इस साल गेट 2018 के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के पेपर में मेरा ऑल इंडिया रैंक 10वां रहा है। दोस्तों, मैंने पिछले साल 2017 में भी गेट का अटेम्प्ट दिया था। उस टाइम मेरा रैंक 1567 था। मैंने सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से गेट 2019 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि असल में गेट है क्या। गेट असल में एक टेस्ट है आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का। आप किस तरह से किसी सब्जेक्ट को समझते हैं और क्या आप मैथमेटिकल मॉडलिंग या न्यूमेरिकल एनालिसिस उन सब्जेक्ट्स का कर सकते हैं या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में हर साल लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग गेट का अटेम्प्ट देते हैं। इस साल 2018 में 1,25,000 लोगों ने गेट गेट का अटेम्प्ट दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। जब भी आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं, एक बहुत मेन फैक्टर होता है मोटिवेशन या आपकी एम। ये आपकी प्रिपरेशन को फ्यूल करता है। आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि आपकी लाइफ में एम क्या है। आप कोई पीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या कुछ भी, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये चीज आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आप हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रेपरेशन कर सकते हैं। एक प्रॉपर मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड अ प्रॉपर प्लान एंड यू शुड एग्जीक्यूट दैट टू। आप अगर एक प्रॉपर प्लान के साथ काम करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि मेरा एम ये है और अगर मैं इस प्लान को फॉलो करूंगा, इस प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा तो मैं इस हिसाब ये आउटपुट मुझे मिलेगी, ये एम मेरा तब अचीव होगा अगर मैं इस प्लान को फॉलो करूंगा। तो आप एक बढ़िया प्लान बनाएं, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं और उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करें। आप मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, बट ये बात ध्यान में रखें कि पॉजिटिव एटीट्यूड विदाउट इफेक्टिव प्लान एंड प्रैक्टिकल प्लान इज नथिंग। सो एक प्रैक्टिकल प्लान अपने मन में अवश्य रखें। नेक्स्ट थिंग इज प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी। प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी में आपका सारा शेड्यूल आ जाता है। आप किस तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं, हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू कवरिंग योर सिलेबस, और आप कितना टाइम रिवीजन के लिए देंगे और कितना टाइम आप एग्जामिनेशन से खुद को फेमिलियर करने के लिए देंगे। फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपको अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करना होगा कुछ टॉपिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के अपने टॉपिक्स हैं। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज इज दैट कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दो पिलर्स के ऊपर स्टैंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, एनालॉग सर्किट्स, नेटवर्क्स एंड डिजिटल, और इसमें साथ ही इसमें ईएमएफटी का सब्जेक्ट भी आता है। तो आपको सबसे पहले इन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। आप अच्छी टेक्स्ट बुक से इन सब्जेक्ट्स को पढ़िए। अगर आप 2018 का गेट का पेपर देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपका टेस्ट करने वाला था। उसमें न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा थे, बट आपको कितना प्रॉपर नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट का, ये बात बहुत मैटर करती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को रेफर करें अपना सिलेबस को फर्स्ट टाइम कंप्लीट करने के लिए। दूसरा जो पिलर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है, वो है सिंपल कम्युनिकेशन का। इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है सिग्नल एंड सिस्टम। आपको एक बेस लाइन पता होने चाहिए, सिग्नल एंड सिस्टम की अंडरलाइंग मैथमेटिक्स पता होने चाहिए कि ये सब्जेक्ट किस तरह से काम करते हैं, जिसके बाद आप उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे कम्युनिकेशन में। आपको कम्युनिकेशन एनालॉग कम्युनिकेशन में किस तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ये सारे कंसेप्ट किस तरह से आप एनालॉग कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से रैंडम वेरिएबल्स एंड रैंडम प्रोसेसेस के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आप अच्छे स्टैंडर्ड बुक से कवर करें, इन डेप्थ पढ़ें। ये सब्जेक्ट्स टाइम जरूर लेते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी होते हैं गेट में। इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे ईडीसी को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मिलमैन और हेल्केयर्स की एंड नीमैन की बुक काफी ज्यादा काफी हेल्पफुल है। आप उनमें से किसी भी एक बुक को मेन सब्जेक्ट कवरिंग के लिए यूज कर सकते हैं और दूसरी बुक को आप रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क्स को कवर करने के लिए है आपकी बुक और वेन वेल्कनबर्ग की बुक काफ़ी अच्छी है। एनालॉग को आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं बॉयलस्टैड से, वो सिंगल बुक काफ़ी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करने के लिए। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फ्लॉयड की और मॉरिसन मैनो की बुक्स काफ़ी अच्छी हैं।
ईएमएफटी के लिए आप सेडिको को रेफर कर सकते हैं, सिग्नल एंड सिस्टम के लिए ओपनहाइम और साइमन हॉकिंस की बुक काफी अच्छी है। कम्युनिकेशन के लिए बीपी लाठी इज द बेस्ट बुक, आप उसको एक बार थॉरो रीडिंग दें, थॉरो स्टडी करें, आपको पूरी की पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और कंट्रोल सिस्टम्स के लिए आप ओगाटा और नॉर्मन एस नाइस की बुक को रेफर कर सकते हैं। देखिए एक सिलेबस क्योंकि बहुत ज्यादा है, 4 साल में बहुत ज्यादा सिलेबस आपको, 4 साल का सिलेबस आपको 1 साल में कवर करना पड़ेगा, तो आपको काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है आपको दिन में 10 से 11 घंटे, जैसे मेरे अपने केस में 10 से 11 घंटे मेरे को पर डे देने पड़ते थे, आप अपने पेस के हिसाब से कम या ज्यादा टाइम प्रेपरेशन के लिए दे सकते हैं। एक बार जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो आप रिविजन के ऊपर ध्यान दें। आप कोई भी एक या दो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आई विल रिकमेंड कि आप दो मिनिमम दो टेस्ट सीरीज को जरूर एनरोल करें, और एक बार जब आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। इससे आपके रिवीजन में काफी हेल्प होगी। आपके जो टॉपिक्स छूट गए थे पहली बार सब्जेक्ट को कवर करते हुए, आप उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। आपको वो टॉपिक्स जो छूट गए थे वो आपके सामने आते रहेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, आप उनके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उनको दोबारा अच्छे से पढ़िए। इसमें आपको मैक्सिमम 2 महीने तक लग सकते हैं, पर 2 महीने में आप अपना रिवीजन पूरा कर लीजिए। लास्ट के जो 1 या 1.5 महीना एग्जामिनेशन से पहले का, 1 या 1.5 महीना लास्ट का जो बचता है, आप उसमें ट्राई कीजिए कि खुद को फेमिलियराइज करें एग्जामिनेशन के एनवायरनमेंट से। मतलब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करें, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा आप क्या गलतियां करते हैं, क्या सिली मिस्टेक्स आप करते हैं, आप उनको इरेडिकेट मतलब उनको हटाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से लास्ट का 1 महीना आप पूरी तरह से सिर्फ अपने आप को फेमिलियर करने में दें कि आप क्या स्ट्रेटेजी वहां पे यूज करेंगे, टेस्ट के 3 घंटों में आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे और किस तरह से उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। इस पूरे रिवीजन वर्क के लिए और मॉक टेस्ट्स के लिए आपके नोट्स काम आएंगे। आप इन नोट्स को अपने, सबसे पहले जब आपने सिलेबस कवर किया था उस टाइम पे आप शॉर्ट नोट्स भी बनाया कीजिए, और इन शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ना शुरू कीजिए अपने रिवीजन के टाइम पे। और जो मॉक टेस्ट्स के बाद जो आपका 1 महीना 1 हफ्ता टेस्ट से पहले का बच जाता है उसमें आप बिल्कुल चिल कीजिए, आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह ना दीजिए, आप सिंपल अपने शॉर्ट नोट्स पढ़िए, सारा सिलेबस एक बार गो थ्रू कीजिए। लास्ट चीज जो आपकी स्ट्रेटेजी में बच जाती है वो है कि आप अपने लास्ट के 3 घंटे जो आपके असल में जो आपका टेस्ट है वो कैसे यूज करेंगे। तो एक बहुत मेन बात है कि आप देखें कि आप अपने आप को एकदम काम रखें, आप हाइपर ना हो जाएं, या फिर आप किसी क्वेश्चन को देख के आपके मन में ऐसे टेंशन ना हो। आप कोई भी क्वेश्चन करें उसको बिल्कुल इस तरह से करें जैसे आप वो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। पीछे के सारे क्वेश्चन, सारे जितना भी कुछ है वो सारा आपके दिमाग से वाइप आउट हो जाना चाहिए, और आपका फोकस पूरा का पूरा उस प्रॉब्लम पे होना चाहिए जो आपके हाथ में है। दोस्तों इस तरह से आप अपने गेट की स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखें, आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं, अच्छा प्लान बनाएं, उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करें, और हमेशा अपने मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ।